ओम नमः शिवाय किसी भी बड़े से बड़े वशीकरण जादू टोने को खत्म करने व हटाने की रामबाण वशीकरण विधि आपके प्यार पर या परिवार के किसी सदस्य पर या बच्चे पर किसी ने जो भी किया कराया होगा जादू टोना या कुछ भी किया होगा उसे आप बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए बहुत से साधक साध्वी बहुत से तांत्रिक व पंडितों पर जाते हैं परंतु उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस विधि से केवल 7 दिनों में ही आप जादू टोने को ख़त्म कर सकते हैं, केवल 7 दिनों में, क्योंकि जब भी कोई किसी पर जादू टोना या वशीकरण कर देता है तो जिस पर भी किया होता है उसे पता ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है, सब काम उल्टा ही करता है। यदि आप उसे कुछ बोलोगे तो वह गुस्सा हो जाएगा या रोने लगेगा और आपकी कोई भी बात नहीं मानेगा। आप उसे कुछ भी कहोगे उसको बहुत गुस्सा आएगा और बुरा लगेगा। ऐसे में उस व्यक्ति के लिए ये 7 दिन जरूर करें बहुत सरल रामबाण वशीकरण विधि। केवल वे महिला इस वशीकरण को ना करें जिन्हें मासिक धर्म की समस्या हो, क्योंकि ऐसे में की हुई सभी वशीकरण विधियों का लाभ नहीं मिलता। तो आप जब तक अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते इस वशीकरण विधि को ना करें। सबसे पहले जो हमारे पुराने साधक साध्वी हैं या जो हमारे नए साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी ही चमत्कारी और वशीकरण विधि पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आपको इस रामबाण वशीकरण को पूर्ण करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? आपको एक चमेली के तेल की छोटी सी बोतल चाहिए। इस तरीके से आपको छोटी बोतल लेनी है और आपको एक हनुमान सिंदूर लेना है। इस तरीके से आपको एक हनुमान सिंदूर लेना है जो हनुमान जी पर चढ़ाया जाता है। और मंगलवार के दिन स्नान करने के बाद आप इस चमेली के तेल और सिंदूर को लेकर मंदिर में जाएं, जो भी आपके घर के नज़दीक हो, और तेल और सिंदूर को हनुमान जी पर चढ़ाएं। जब आप चढ़ा रहे हो तो आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप यह कर रहे हो। यदि वो व्यक्ति खुद हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाए तो वो रोग और वशीकरण बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और वे बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे और ठीक हो जाएंगे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 7 दिन इस वशीकरण विधि को ज़रूर करें। सभी साधक साध्वी जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वी का भला हो सकता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी DM कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।